भाई और बहनों, आर्टिकल 370 को लेकर भी इन्होंने यही डर दिखाया। अगर 370 को हाथ लगाए गए तो करंट लग जाएगा, करंट बवाल हो जाएगा, देश का टुकड़ा हो जाएगा, यही बोलते थे ना, यही डर दिखाते थे ना। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाव को बढ़ने दिया, आतंकवाद बढ़ने दिया, वहां से पंडितों को निकाले गए, ये देखते रह गए, लेकिन निर्णय नहीं किया, फैसला नहीं लिया। आपने जब इस सेवक को फिर आदेश दिया तो आर्टिकल 370 भी निकाल गया और शांतिपूर्ण तरीके से आज कश्मीर आगे बढ़ने लग गया। साथियों, आपने इस डर को, इस छल को नकार दिया। पूरे देश ने इस कांग्रेस और उसके साथियों की नकारात्मक सोच को ही नकार दिया। लेकिन साथियों, लोगों को डराने को, झूठी बातें फैलाने को उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बना दिया है। जनता की सेवा करके राजनीति नहीं कर सकते, झूठ फैला करके ही, डर का माहौल पैदा करके ही वे अपनी राजनीति करने की आदत अभी भी उसी के भरोसे चल रहे हैं। अब देखिए, अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, बराबर आ गई? मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया? संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी राजनीति की खिचड़ी नहीं पक रही है। भाइयों बहनों, फिर भी कांग्रेस और उसके साथी झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अपप्रचार कर रहे हैं। साथियों, आज झारखंड की इस धरती से इन वीर पुत्रों की धरती से देश के लिए मर मिटने वाले इन शहीदों की धरती से मैं फिर एक बार पूरे देश को, देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे हिंदू हो,
मुसलमान हो, हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है ये तो हमारे पड़ोस के तीन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की बांटो और राज करो इसी नीति की वजह से देश का एक बार बंटवारा हो चुका है, मां भारती के टुकड़े पहले हो चुके हैं। यही कांग्रेस है जिसने अवैध तरीके से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया, यहां उनको वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया। घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई है उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल जो इतने सालों तक सत्ता भोगते रहे वे ही जिम्मेदार है। साथियों, मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं, साथियों बताइए चुनौती दूं या ना दूं? आपके आशीर्वाद है ना? ये वीरों की भूमि से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल है, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करे, अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करे, कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करे कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है
तो खुलकर ये भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है, तो वो ये भी खुल करके घोषणा करें।